हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं पॉल इन्फोटेक चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मापने की मानक और अमानक इकाई क्या होती है। यानी किसी भी वस्तु को मापना हो, किसी वस्तु की लंबाई को मापना हो, तो उसके लिए हम हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कितने हाथ की है। बालिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालिश मतलब भाई क्या होता है? बालिश का मतलब होता है बित्ता। और बित्ता कितने का होता है भाई? ये देख रहे हैं, ये आपकी उंगली है और ये अंगूठा है ना, इसके लास्ट सिरे से और इसके लास्ट सिरे तक जो लंबाई होती है उसे एक बालिश तो बोला जाता है। हम मापने के लिए उंगली का भी प्रयोग कर लेते हैं, हम मापने के लिए कदम का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ये आपको दे दिया जाए, मापी कितना कदम है, इस तरह से आप चल करके माप लेंगे, 1, 2, 3, 4, 10 कदम है। अब मापने के लिए आप मीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, पटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, इसे पटरी कहते हैं या स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। अब इसमें मानक इकाई कौन है और अमानक इकाई कौन है? देखिए, इसको, इस मरकरी को आपको मापना हो तो मैं कहूंगा कि ये कितने का हाथ का है। तो देखिए, 1, 2 और लगभग 3 हाथ में इतना कम है, एक बीता लगभग, एक बालिश लगभग कम है, यानी 3 हाथ पूरा पूरा नहीं हो रहा। अब मैं इसी को देखिए, मेरे हाथ से यह 3 हाथ होने में कम है, ठीक है। अब छोटी सी बच्ची आई, मुझसे बोली कि 3 हाथ का ये कितना है, मैंने तो बोला कि 3 हाथ में भी कम है। अब मैं उसको बुलाता हूं, इधर इसको माप के दिखाओ कितना हाथ है। देखिए, अब मापो तुम, 1, 2 चलो छोड़ो आगे बढ़ो, 3 और यहां से छोड़ो यहां से। देखिए, इसके हाथ से, कहने का मतलब है इसके हाथ से 3 हाथ पूरा पूरा हो गया और चौथे हाथ में जाकर के थोड़ा सा कम हो रहा है। यानी हाथ से हम किसी वस्तु को मापते हैं, हमारे हाथ से उसकी माप कुछ और होगी, दूसरा व्यक्ति है उसके हाथ से उसकी माप कुछ और होगी, तीसरा व्यक्ति है उसके हाथ से उसकी माप कुछ और होगी। इसी प्रकार से कोई बच्चा है उसके हाथ से उसकी माप कुछ और होगी। उसी प्रकार से देखिए, ये आपका क्या है, पटरी है या स्केल आप इसको बोल सकते हैं। मैं कहूं ये कितने बालिश का है, तो 1 और 2, यानी 2 बालिश में कम है। लेकिन एक बच्चे से आप मापवाएंगे तो ये हो सकता है कि 2 बालिश पूरा पूरा हो जाए, या 3 बालिश हो जाए, या एक नन्हे बच्चे से आप मापवाएंगे तो ये 4 बालिश भी हो जाए। तो मैं तो कहूंगा ये 1 बालिश है, वो कहेगा 2 बालिश है, तो माप तो गलत हो गई ना। अब मैं ये कहूं उस बच्चे से कि जाओ 2 हाथ कपड़ा लेकर के आओ, जाओ 2 हाथ कपड़ा लेकर के आओ। अब वो जाएगा, कोई कपड़ा होगा, उसको अपने हाथ से 2 हाथ माप के लाएगा और मैं मापूंगा उसी कपड़े को, तो कम हो जाएगा। यानी ऐसी मापक इकाई जिससे हर व्यक्ति मापे और उसकी माप अलग अलग हो जाए, वो मापने की अमानक इकाई होती है। क्या होती है? अमानक इकाई होती है। क्या होती है? अमानक इकाई होती है। अब मान लीजिए उसी को मापना हो, किसको मापना है, मान लीजिए इस मरकरी को ही मापना है। अब मैं कहूं इस पटरी से मापो कितना होगा, तो इस पटरी से जितना आपका माप होगा, दूसरे व्यक्ति से भी मापवाएंगे इस पटरी से तो उसकी माप इतनी ही आएगी, तीसरे व्यक्ति से भी मापवाएंगे उसकी माप इतनी ही आएगी, या किसी भी व्यक्ति से आप मापवा लीजिए, इस पटरी से उस मरकरी की माप उतनी ही आएगी। तो ये हमारी क्या है, मापने की मानक इकाई है। क्या है? मानक इकाई है, अर्थात मापने की ऐसी इकाई, अर्थात ऐसा औजार जिसका हम प्रयोग करते हो और प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग करे उसकी माप अलग अलग आ जाए, वो मापने की अमानक इकाई होती है। और मापने की ऐसी इकाई जो एक विधिवत मापदंड के अनुसार हो और पूरे विश्व में वो प्रयोग होता हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसका यूज करे तो उसकी माप उतना ही आए, उसे मापने की क्या कहते हैं, मानक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक इकाई। अर्थात हम अमानक इकाई में क्या क्या ले सकते हैं, जो उंगली है वो मापने की मानक इकाई है या अमानक इकाई, तो हम कहेंगे ये मापने की अमानक इकाई है। क्यों? क्योंकि ये उंगली भी सभी व्यक्तियों के एक बराबर नहीं हो सकती। बालिश मापने की अमानक इकाई है या मानक इकाई है, तो हम कहेंगे बालिश क्या है, मापने की अमानक इकाई है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का बालिश
एक बराबर नहीं हो सकता। छोटे बच्चे का बालिश आप देखेंगे इतना ही बड़ा होगा, बड़े व्यक्ति को देखेंगे इतना बड़ा होगा या इससे भी बड़ा हो सकता है, उसके हाइट पे या उसके शरीर के आकार पे निर्भर करता है। तीसरा हम ले लेते हैं कदम, एक कदम दो कदम तीन कदम हम नापते हैं ना। जैसे यहां से कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि फला आदमी का घर कहाँ है, तो आप फटाफट से बता देते हैं मात्र 10 कदम है। अब उसको छोटा बच्चा यदि मापता है तो क्या 10 ही कदम होगा, अधिक भी हो सकता है। यानी कदम भी मापने की अमानक इकाई है, क्लियर। यानी उंगली, बालिश, कदम, चौथा हम हाथ को ले लेते हैं। क्या हाथ हमारे मापने की मानक इकाई है? नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का जो हाथ है एक बराबर नहीं हो सकता, अर्थात हाथ भी मापने की अमानक इकाई है। मीटर क्या है? मीटर क्या है? तो मीटर मापने की क्या है? मानक इकाई है। पटरी या स्केल हमने देख लिया, पटरी या स्केल हमारा क्या है मापने की? तो पटरी या स्केल, इससे क्या दूसरे व्यक्ति को दे देंगे तो वो 3 स्केल या 4 स्केल या 5 स्केल अलग अलग मापाएगा? नहीं। इससे जिस व्यक्ति को देखेंगे, किसी वस्तु को मापने के लिए, तो जितना होगी एक्चुअल में दूसरा व्यक्ति भी मापेगा तो उतना ही स्केल या उतना ही पटरी आएगी, अर्थात पटरी या स्केल भी मापने की मानक इकाई है, क्लियर। अगला हम मीटर ले लेते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये हाथ में मेरा, ये मीटर है। इसी से जो दर्जी होता है वो माप लेता है आपके कपड़े की। यानी मीटर हमारा मापने की मापक मानक इकाई है या अमानक इकाई है? तो मीटर भी हमारे मापने का क्या है? मानक इकाई है। अब एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अब क्वेश्चन आ गया भाई, सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर क्या होता है? तो सेंटीमीटर मीटर से छोटी मापने की इकाई होती है, अर्थात मीटर से छोटी मापने की इकाई जो होती है वो सेंटीमीटर होती है। और एक एक सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में मिलाएंगे तो आपका मिला करके 1 मीटर होगा। देखिए यहाँ पे 100 लिखा गया है, यहां तक आपका 1 मीटर होगा। ये आपका क्या है? मापने की मानक इकाई है। क्या है? मापने की मानक इकाई है। अर्थात 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, अथवा ये कह लीजिए कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, क्लियर। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि मापने की मानक इकाई किसे कहते हैं और मापने की अमानक इकाई किसे कहते हैं, कितना सेंटीमीटर मिलाकर के 1 मीटर होता है, अथवा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।